17 वर्षीय नाबालिग को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देकर आरोपी घटनास्थल से फरार। गांव में फैली सनसनी। 112 और 108 नंबर एम्बुलेंस को लगाते रहे परिजन, फोन नहीं लगा। किसी का भी फोन मौके पर लग गया होता तो शायद बच्ची बच सकती थी। मामला जनपद हमीरपुर की राठ कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम धमना का है, जहाँ पर एक 17 वर्षीय 11वीं कक्षा के नाबालिग छात्र को गाँव के ही युवक ने कुल्हाड़ी से काट डाला। इतना ही नहीं, युवक को कुल्हाड़ी से काटने के बाद आरोपी ने उसके घर पर जाकर उसके बाप पर भी कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे उसका पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जब परिजनों ने देखा और आरोपी को दौड़कर पकड़ा, लेकिन आरोपी कुल्हाड़ी घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं क्षेत्र अधिकारी राठ परमानंद द्विवेदी ने बताया कि अभी मृतक के परिजनों की तरफ से लिखित शिकायत नहीं मिली है। जैसे ही शिकायत मिलती है, कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या घटना हो गई है? क्या घटना हो गई है सर? उसने हमारी बच्ची को मारा है, वो हमको मारा है सर। किसने मारपीट की है? सुरेश ने, प्रमोद ने, और जय हिंद और अशोक नाम है उसके भाई का, मूलचंद उसके पिता का नाम। चार पाँचों बच्चे। क्या किया है? कुल्हाड़ी मारी सर, हमको भी कुल्हाड़ी मारी सर। क्या मौत हो गई आपके बच्चे की? साहब हमको तो पता नहीं है सर, बच्चे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इनको बच्चा आए। सुरेश सर, विकास मेरा भतीजा, बड़े भाई का लड़का। तो वो विकास बैठा था वहीं पे, चौखाटा है हमारा नीम के पास, वहाँ बैठा था अर्जमस्ती में। तो और अशोक आया, सुरेश आया, उसने कुल्हाड़ी ली और दो तीन कुल्हाड़ी मारी। जब विकास लहूलुहान हो गया पूरा पूरी तरीके से, तब दौड़ के आया मेन रोड पे हमारे घर के पास। हमारा निकास अलग है, वहाँ पे आया, वहाँ पे उनके पिताजी बैठे थे हमारे साथ। तो उनको एक कुल्हाड़ी मारी, तब हम लोग सब लोग उससे उलझ गए, उसकी कुल्हाड़ी छुड़ाई और वो भाग निकला। और वहाँ से जब फ़ोन किया हमने एम्बुलेंस का फ़ोन नहीं लगा। 112 पर कॉल की कई बार, फोन नहीं लगा वहाँ पर। फिर इसके बाद हम मोटरसाइकिल पर रख के ले आए विकास को, और यहाँ पे स्थिति गड़बड़ हो गई, कुल मिला के इस बार हो गया था। ना वही धमना में क्या है पूरा मामला? धमना में विकास अनुरागी, पुत्र अशोक अनुरागी, उम्र 17 साल को, इसी के गांव के सुरेश प्रजापति ने कुल्हाड़ी से मारा। चटहिल हालत में इसको यहाँ अस्पताल लाए, जिसकी मौत हो गई है। अस्पताल हम लोग आए हैं, छानबीन की जा रही है। सर कितने लोग थे? अभी तो एक का नाम मालूम हो रहा है और अभी तहरीर नहीं दिए हैं, तो सर देते हैं। सर आरोपी पकड़ा गया है, फरार है अभी? अभी नहीं पकड़ा गया।